हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लेमार के एक्सप्लेनर। आज की वीडियो का जो टॉपिक है कि आप लोग जो है फ्री में व्हाट्सएप कैसे बना सकते हैं। वैसे इस पे मैंने बहुत सारी वीडियो बनाए हुए हैं जो कि अभी तक वर्क कर रहे हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग व्हाट्सएप तो बना सकते हैं, उसके साथ जो है उस नंबर को आप लोग हमेशा के लिए भी रख सकते हैं। इसी एप्लीकेशन के थ्रू से मैंने एक व्हाट्सएप बनाया था 3 साल पहले, जो कि अभी तक काम कर रहा है। 3 साल से मैं उस नंबर को यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं बताऊँगा कैसे वो करना है। तो हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट नाउ, जो इसमें सारे प्रॉब्लम थे वो अभी मैं फिक्स करके दिखाऊँगा। तो मैं यूज़ करूँगा एक टेम्पोररी ईमेल, लेकिन आप लोगों से बता दूँ कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को यूज़ करना है जीमेल, अगर आप लोग जो है हमेशा के लिए उस नंबर को रखना चाहते हैं। क्योंकि मैं जो है टेम्पोररी बनाऊँगा, तो मैं जो है टेम्पोररी एक ईमेल यूज़ करूँगा। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आप लोगों को सबसे पहले वीडियो मिल सके और आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे इंस्टा पे, यहाँ पे हम जो है ईमेल कॉपी करेंगे। आप लोगों को इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। आप लोग अपना जीमेल, रियल जीमेल यूज़ करें जिस पे आप लोग हमेशा के लिए नंबर रख सकें। और उसके बाद जाएंगे हम टेक्स्ट नाउ पे। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि आप लोगों को देखना होगा कि आपके मोबाइल में स्प्लाइट स्क्रीन कैसे काम करता है। तो मेरे मोबाइल में बहुत आसान है, आप लोगों को इसमें थोड़ा सर्च कर लेना होगा अपने मोबाइल में कि स्प्लाइट स्क्रीन कैसे काम करता है। क्योंकि क्या होता है कि टेक्स्ट नाउ जो है 50 सेकंड के अंदर ही जो है नंबर को रिफ्रेश करता रहता है। उसके बाद हम जाएंगे टेक्स्ट नाउ पे, यहाँ पे साइन अप पे करेंगे क्लिक और करेंगे साइन अप विद ईमेल। और सेम ईमेल और पासवर्ड को कर देंगे हम कॉपी और कर देंगे साइन अप पे। आप लोगों को जो है कोई अच्छा सा पासवर्ड इधर से चुने, अगर आप लोग अपने रियल ईमेल यूज कर रहे हैं। और उसके बाद सेटअप पे करेंगे यस। आपको सब अलाउ कर देना है, सिर्फ लोकेशन को छोड़ के, डोंट यूज़ माई लोकेशन। और यहाँ पे इसको कर देना स्प्लाइट स्क्रीन। तो हम करेंगे इसको, देख सकते हैं मेरा बहुत आसान है स्प्लाइट स्क्रीन में। और दूसरे में हम जाएंगे यहाँ पे, हम व्हाट्सएप को कर लेंगे ओपन, ठीक है। फिर से जाएंगे हम डोंट यूज़ माई स्क्रीन, यहाँ पे हम जो कोड डालेंगे 470। तो देख सकते हैं इसमें बहुत सारा नंबर देगा, लेकिन अक्सर जो नंबर इसमें काम करता है वो 470 के बाद अगर 516 है, या जो है 466 है, 444 है, ठीक है, या 400 के ऊपर जो है वही काम करता है। तो इसमें एक दो नंबर आपको चेक कर लेना है। तो जैसे कि मैं आपको ये सेकंड वाला नंबर चेक करा देता हूँ, 512 60 72 18 60 72 400। देख सकते हैं ये नंबर अवेलेबल है। अब मैं दूसरा एक नंबर चेक करा के आपको दिखा देता हूँ, 938 27 77, ये लास्ट वाला। ये दोनों नंबर अवेलेबल हैं। कभी कभी क्या होता है इसमें जो है नंबर, एक दो नंबर आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि जो आपको कोड यूज़ करना है 470 के बाद जो है वो 500 के ऊपर हो, ठीक है, या जो है 544 460 इस तरह का यूज है। तो इस वजह से मैंने बोला है कि आप लोग स्प्लाइट स्क्रीन यूज़ करें। तो जैसे कि अभी नंबर चेंज हो गया, देख सकते हैं, मैं दूसरा नंबर आपको दिखा देता हूँ। ये जैसे 202 है और 2490 2490, ये देख सकते हैं ये नंबर नहीं दिखा रहा है। तो जैसा कि मैं बोला जो है ये कोड जो होता है 400 के ऊपर है तभी आपका काम करेगा। तो मैं लास्ट वाला यूज कर लेता हूँ, अभी 648 33 19। ओके, तो हम इस नंबर को कर लेते हैं यहाँ से सेलेक्ट, और हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू, और इस नंबर को कर लेते हैं सेलेक्ट, ठीक है।
तो ये हमारा नंबर हो गया हमें इस ब्लाइट स्किन की, अब हमें ज़रूरत नहीं है 470-68-33-19, ठीक है। तो हमें इस ब्लाइट स्किन की अब ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कर देते हैं एग्जिट इधर से। अब क्या करना है टेक्सना पे बता दूँ आपको, इधर से जाना है और इसका जो परमिशन है आपको चेक कर लेना है एक बार कि जो परमिशन अलाउ है कि नहीं है। तो SMS का परमिशन आपको कर देना है इधर से अलाउ, और कॉल लॉक का भी कर देना है अलाउ, स्टोरेज का भी कर देना है अलाउ। इसमें आपको लोकेशन और कैमरा को छोड़ के बाकी सबको अलाउ कर देना है, ठीक है। हम जाएंगे अब व्हाट्सएप पे और कर देंगे ओके। यहाँ पे आपको जो है SMS नहीं आएगा, तो जैसा मैं बोला दोस्तों इसमें SMS नहीं आएगा, इसमें हम करेंगे कॉल, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारे पास आ गया। अच्छा यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम आ रहा है कि आपको जो है SMS सुनाई या OTP सुनाई नहीं दे रहा है कॉल के थ्रू से, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा वेट करना है, एक दो बार ट्राई करना है, क्योंकि आपका नंबर तो मिल गया है, ठीक है। जब नंबर मिल गया है तो आप व्हाट्सएप पे कुछ ही देर में या जो है एक दो घंटे का जो टाइम होगा आप उधर से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि नंबर आपका हमेशा उधर रहना है। अच्छा नंबर कैसे आप हमेशा के लिए रख सकते हैं मैं बताऊं, जैसा भी मेरे पास कॉल आया था इधर, ठीक है, जैसे दिखाऊं आपको क्या करना है, जब आप अपने रियल ईमेल से बनाएंगे, ठीक है, तो उसको 4-5 दिन में इधर से एक मैसेज ऐसे भेज देना है। जब 4-5 दिन में मैसेज भेज देंगे तो जो है ये हमेशा के लिए आपका नंबर रहेगा, आपको जो किसी को SMS करने की ज़रूरत नहीं, इधर जो है उसी पे आपको करना है। तो मैं इस बार क्या करूँगा, ट्राई करूँगा कि अगर जो है कॉल करूँगा और जो है कॉल को रिसीव नहीं करूँगा, हो सकता है वो जो है मेरे वॉइस मेल में चला जाए। और अगर आप लोगों का रिसीव हो रहा है तो अच्छी बात है, मेरा जो वाईफाई थोड़ा कमज़ोर है, इस वजह से कह रहा है वाईफाई सही नहीं है। तो अभी देखे मैंने कॉल रिसीव नहीं किया और मुझे जो है वॉइस मेल मिल गया है। देखिए मेरा व्हाट्सएप बन के तैयार हो गया, और व्हाट्सएप जो टेक्सनाओ का नंबर भी होता है वो बैन नहीं होता है, और टेक्सनाओ जो हो सकता है पाकिस्तान इंडिया में अवेलेबल नहीं हो, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा एक थर्ड पार्टी का लिंक दे दूँगा, और जो है प्ले स्टोर का भी मैं दिखा दूंगा कैसे उसको डाउनलोड करना है। अगर प्ले स्टोर से डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप लोग कैसे जो है जीमेल बना सकते हैं US के एड्रेस पे, जिस पे सारे एप्लीकेशन आपको अवेलेबल होंगे, फिर थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा व्हाट्सएप जैसे बनकर तैयार हो गया, बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।